हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये फिलिप्स का AW606 होम स्टीरियो सिस्टम है, मीन्स डक सिस्टम है। इसमें दो कैसेट प्ले मीन्स मैकेनिज्म है, एक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक में प्ले कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं दोनों में। और इसका 160 वॉट PMPO, नॉट RMS, PMPO है, रेडियो FM मीन्स MW, SW और FM दोनों हैं। इसमें टोन कंट्रोल के लिए इक्वलाइजर दिया हुआ है, एक विंटेज मीन्स 75 80s 90s का हम बोल सकते हैं। मैं ऑयल से लिया था, ये जब लेकर आया था इसका एक ही चैनल काम कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसका एम्प सेक्शन निकाल दिया, एम्प सेक्शन निकाल के मैं इंस्पेक्ट कर रहा था, तो पता चला कि इसका ये इसका रेडियो सेक्शन है, ये इसका प्री हेड प्री और टोन कंट्रोल सेक्शन और माइक सेक्शन है, और ये इसका एम्प सेक्शन है, और ये इसका ट्रांसफार्मर। इसका ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग वगैरह देख लेना, प्योर कॉपर प्लस कितना बड़ा गेज है, साइज़ भी बराबर है, मीन्स ठीक है। ये इसका एम्प सेक्शन है, ये एम्प सेक्शन का आईसी TDA 1006 इस्तेमाल किया है इसमें। TDA 1006 मैं जब लेकर आया था सिर्फ एक ही चैनल, ये वाला चैनल काम कर रहा था, और ये वाला आईसी का हाल में दिखाएंगे आपको, ये वाला आईसी ऐसा था, ठीक है, पूरा फट गया था। फटने का कारण मैं आपको बताएंगे, फटने का कारण ये था कि देखिए, ये दोनों आईसी इसमें हीट सिंक से अटैच है, स्क्रू से दोनों आईसी अभी मैंने निकाल के अटैच किया है। जब भी मैं लेकर आया था, ये जिसने ये पुराना ज़माने में रिपेयर किया था, वो आईसी को हीट सिंक में अटैच नहीं किया था, तो इसलिए जब काम करके आईसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का ऊपर गया था तो ब्लोन आउट हो गया। और उसको जो पूरा कैपेसिटर्स है, पूरा फिलिप्स का कैपेसिटर्स प्लस चेंजर वाला कैपेसिटर्स जो था, जब भी आपके पास ऐसा कुछ, ये सब फिलिप्स का था, ये देखिए पूरा फिलिप्स का है। मैंने उसको सबको चेंज करके, ये देखो निचिकॉन का है, निचिकॉन है सैनवा, और ये जो ब्राउन कलर है एलाइट का है, और ये ब्लैक कलर छोटा छोटा जो दिख रहा है वो रूबीकॉन का है। ये 470 63 25 वॉट मेरे पास है नहीं था कि ये आंगरी वाला एक SMPA से निकाल दिया है। तो जब आपको ये पुराना सिस्टम्स, विंटेज सिस्टम जब आप रिपेयर करने जाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स जो पुराना ज़माने का था उसको पूरा की पूरा नया वाला डाल देना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स ईयर्स के बाद है ना, इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्टिंग पावर है, उसका करंट चार्जिंग स्टोरेज कैपेसिटी है कम होता जाएगा, उसका वजह से भी पूरा आईसी और डायोड्स और ये पोल्टर्स कैपेसिटर्स वगैरह डैमेज होने के चांसेस है, आईसी ओवरहीट हो जाता है, ऐसा ऐसा कारण ओल्ड कैपेसिटर्स की वजह से हो सकता है। तो ये आम सेशन का पूरा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स मैंने बदल दिया है। अभी ये जो प्री आम सेक्शन और रेडियो सेक्शन है, इसमें पूरा की पूरा अभी भी कैपेसिटर्स फिलिप्स का ही डाला हुआ है, उसको भी बदलना है। इसका स्पीकर का सिस्टम मैं बताएंगे आपको, ये उसका स्पीकर सिस्टम, स्टीरियो 6 इंच फुल रेंज है, दो स्पीकर सिस्टम मिला था इसके साथ, साउंड में आपको सुनाएंगे। इसको थोड़ा सा आम सेक्शन को अटैच करना है साथ में, और उसके साथ है ना एक वोल्टेज रेगुलेटर था इधर, ये वोल्टेज रेगुलेटर भी ये हीट सिंक के साथ अटैच नहीं था। ये टेक्नीशियन लोग मीन्स इतना
इरेस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा ट्रस्टवर्थी करके एक टेक्नीशियन के पास देते हैं उसको सही करके देने के लिए, बट ऐसा नहीं करना है। इसमें एक ऑक्स का सेक्शन भी दिया हुआ है, इसका स्विच फ्रंट से है। कुछ कुछ केबल्स ख़राब हो गया था, मैं इसको बदल दिया है, हाई क्वालिटी केबल से बदल दिया है। तो इसको रीइंस्टॉल करने के बाद, कनेक्शन देने के बाद, मैं आपको इसका आवाज़ सुनाएंगे।